असलकुम दोस्तों आज की जो हमारा टॉपिक है आ, वो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो उनका ज़माना जो है वो हजरत मूसा के बाद आता है और आ, जब बनी इसराइल को जैसे मैंने पहले बताया था कि बनी इसराइल जो है वो फिरौन से निजात पाकर और सहराय सीना में वो पहुंच गए थे तो अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रा कर दूंगा आपको समझाने के लिए तो ये अरेबियन पेनल आ गया यहाँ पर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया आ गया इस जगह पर करके जो है वो यरोशलम है इधर जो है ना एक सहरा जिसे सहराए सीना कहा जाता है और यहाँ पर जो है वो फिर मिसर वाकिया है यहाँ सेंटर में जो है वो रेड सी है बनी ये रेड सी को क्रॉस करके जो है वो फिर सराय सीना में इस साइड पर पहुंचे थे अब इनको हुक्म हुआ कि आप जाकर में अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अब जो है रूशलम में आप लोग जाकर उसे फतेह करें और वहां पर अपना जो है ना आबादी आबाद हो जाए तो ुशलम में उस वक्त एक ताकतवर बादशाह जिसे जालूत कहा जाता है उसकी हुकूमत थी तो इसकी काफी ताकतवर फौज भी थी तो यहूदियों ने कहा जो थे बनी इसराइल उन्होंने कहा कि मूसा और उसका खुदा ही जाकर उनसे लड़े तो हम तो नहीं लड़ सकते तो फिर इस तरीके से चलता रहा और फिर जब इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह हमें कोई जो है ना या उस वक्त के जो पैगम्बर थे उनको कहा कि हमें जो है ना कोई आ, मतलब जो है ना सिपा सलार मुकर किया जाए हमारे लिए जो हमें गाइड करे किताबों में मिलता है कि उस वक्त जो है वो जो इनके दरमियान पैगंबर थे उनका नाम था। बहरान फिर अल्लाह ताला ने कहा कि हम जो पैगंबर जो सिपाला के लिए मुकर की करेंगे इन्हें उस पर एगरी करना पड़ेगा तो इन्होंने कहा ठीक है हम एग्री करेंगे तो अल्लाह ताला ने एक चरवाहा जिसका नाम तालुब था उसको मुकर्र कर दिया इनके ऊपर तो इन्होंने बड़ा टाल मटोल से काम लिया कि एक चरवाहे हमारे ऊपर मुकर कर दिया लेकिन ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो जिसको मैं मुकर कर दूंगा तुम्हें तो उसकी इतम बरदारी करनी होगी फिर जो है वो तालुद ने ही इस लश्कर को लीड किया और इनके जो लश्कर में एक शख्स थे जिनका एक नौजवान थे जिसका नाम था दाऊद दाऊद इस्लाम उस वक्त एक लश्कर में एक सिपाही की हैसियत से के लश्कर में शामिल थे ये लोग पहुंचे हैं फिर फिरशलम और यरुशलम में जो है वो जालूद जो था वो इनसे कई गुना बड़ी फौज लेकर खड़ा हुआ था तो वहां पर फिर इनके इनका जो है मुकाबला हुआ है तो जो जालूद था वो एक बड़ी सवारी पर सवार था आई थिंक हाथी के बारे में भी जिक्र मिलता है कि उस पर वो सवार था दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे एक रस्सी के साथ जो है वो जैसे पत्थर बांधकर उसको घुमाकर फेंकते हैं इस तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे इसमें एक्सपर्ट थे तो उन्होंने वो जो क्योंकि किसी भी शख्स का जो है वो तलवार के जरिए वहां जालू तक पहुंचना मुमकिन नहीं था उस तो दाऊद ने वो घुमाकर इस तरीके से फेंका कि वो जो जालूद को लगा और वहीं पर जालूद की जो है वो डेथ हो गई उसके बाद जो है उनकी फौज का जो हौसला था वो पस्त हो गया और वो पीछे हटने लगे और यूं तालूत ने जो था वो फिर मैदान मार लिया तालूत ने फिर हजरत दाऊद को जो है अपनी फौज का سپاہیلار بھی مقرر किया क्योंकि तालूत जो थे वो फिर बादशाह बन गए थे यरशलम में और वहीं पर जो थी फिर वो बनी इसराइल को उन्होंने आबाद कर दिया था यह बनी इसराइल के पहली आबादकारी है फर्स्ट टाइम जो है ना बनी इसराइल यरूशलेम में एंटर हुए ना तो ये उनकी आबादकारी इस वक्त इनके पास ताबूत सकीना भी था ताबूत सकीना के मतलब थोड़ा सा बता दूं कि ये एक ताबूत था जिसके अंदर हजरत अलैहिस्सलाम का जो है वो असा था और दुराने के आम जब सहराय सीना में ये लोग रहते थे तो इनके ऊपर जो था मनोसलवा उतरता था उसका भी कुछ जो है वो हिस्सा एक मर्तबान जिसके अंदर मन भरा हुआ था और सलवा भी मौजूद था वो इनके पास मौजूद था वहाँ पर और ये चीज़ें मतलब जो है इनके पास मौजूद थी तो ये ताबूत सकीना जिस जब भी कोई जंग होती थी तो बनी इसराइल अपने साथ साथ लेकर फिरते थे और लश्कर से आगे आगे रखते थे ताकि जो है ना फिर इसकी बरकत से जो है उन्हें सकीनत नाजिल होती थी और उन्हें फता फता नसीब होती थी खैर खैरुद ने जो है वो फिर बादशाह बन गया तो इन्होंने जो अपना कमांडर इन चीफ है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मुकर कर दिया तो दाऊद्लाम फिर उसके बाद जो है इतआलूद ने कुछ अरसे बाद अपनी बेटी की जो शादी थी वो भी दाऊद अस््लाम से कर दी तो दाऊद असलाम जो थे वो हजरत वालूद वो के जो है वो दामाद भी बन गए यहाँ पे फिरत दाऊदिलाईस्म को जो है वो नबूत अदा हुई और कहते हैं कि फोर्टी ईयर्स की उम्र में चालीस साल की उम्र में, में बेशतर जो मोस्टली जितने भी अम्बिया हैं उनके चालीस साल की उम्र में हजरत मूसा को देख लें हजरत दाऊद को देख लें आप नबी करीम सल वम को देख लें तो उन्हें चालीस साल की उम्र में नबूत अदा हुई दाऊद पर दाऊद जो है वो एक रसूल पैगम नबी भी हैं और रसूल भी हैं और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर एक किताब नाजिल हुई है जिसको कहते हैं जबूर जबूर का मतलब है बड़े हिलफाज में लिखी गई कोई चीज तो ज़बूर के बारे में कहते हैं कि ये वर्सेस मतलब आयात थी जो पोइटिक शक्ल में थी यानी कि जैसे कहते हैं ना नसर की शक्ल में तो वो उस तरह से ये जबूर मौजूद थी खैर हजरत दाऊद को अल्लाह ताला ने ये जो है अलैहिस्सलाम के मतलक है कि इनको चालीस साल की ज़िंदगी जो है आदम ने अपनी ज़िंदगी में से अता की थी और दाऊद के अगर मौजज़ात की बात की जाए तो एक तो उनको जो था वो उनके लिए लोहा नरम किया गया था लोहा नरम कर दिया गया था और वो जो थे वो लोहे को हाथ लगाते थे तो लोहा उनके हाथ में नरम हो जाता था और वो उसको ढाल कर मेल्ट कर, कर जो था वो ढाले बनाया करते थे और दूसरा ये था उनका मुआवजा कि उनको बहुत खूबसूरत आवाज अदा की गई कुशिल हान कह है सकते हैं उसको हम यानी उनको आवाज़ अता की गई कि जब वो तलावत किया करते थे जबूर की तो पहाड़ भी रिज करते थे और जंगलात के जंगलों के जो दरिंदे चरिंद सब जो है उनके पास आकर बैठ जाया करते थे इतनी वो खूबसूरत तलावत किया करते थे तो अल्लाह ताला ने जन्नत के बारे में भी कहा है कि दाऊद अल इस्लाम जो है वो वहां पर भी अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देंगे कि आप जो है वो अपनी आवाज़ से जो है लोगों को महसूस करें मैसूर करें मशहूर करें तो फिर जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौका दिया जाएगा और फिर आखिर में अल्लाह ताला खुद सूरह रहमान की जो है वो तलावत करेगा जन्नत के अंदर अच्छा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अलकाबात की बात कर लेते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक तो नजीबुल्लाह कहा जाता है ठीक है अच्छा इसको नजीब से नहीं करना मिकस मिकस अप नहीं करना क्योंकि नजीला नू नू अलैहिस्सलाम का लकब जो था वो नू था तो नजीब जो है वो अः दाऊद अलैहिस्सलाम का लकब है और दूसरा ये दूसरे नबी नबी हैं जिन ये रसूल हैं जिनको अल्लाह खलीफा कहा है खलीफतुलफिर ठीक है तो खलीफतुल्ला इनका आपने देखा था कि सबसे पहले हजरत आदम को अल्लाह ने कहा था कि मैं जो है जमीन पर अपना खलीफा पैदा कर रहा हूँ आदम के बारे में था और फिर दूसरा जो जो है नबी या रसूल के बारे में बात आई है वो खलीफा हजरत दाऊद अलैहि सलाम है ठीक है अच्छा इनके एक गुलाम है जिनका जो नस्ल थे उनका नाम था लुकमान कुरान में अगर आ, कोई आपसे पूछे कि कोई को गैर नबी के नाम से जो है वो सूरत आई है कोई ऐसी सूरत जो गैर नबी के नाम से आई है तो वो है लकमान ठीक है उसमें लुक्मान में लुक्मान जो है, वो बेसिकली इनके गुलाम थे और अल्लाह ताला ने उनको जो है वो बड़ी अकलोदानाई की, अदा की थी फिर वो जो है आखिरी वक्त में अपने औलाद को जो उन्होंने बेटे को नसीहतें कहीं के याबुन तुशरक अजीम के और इस तरीके से बेशुमार नसीहतें उनकी मौजूद हैं वहाँ पर तो इनको जो है वो फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इनको कोर्ट किया बाद लोगों का ख्याल है कि ये भी नबी थे लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सिर्फ अलैहिस्सलाम के गुलाम थे अच्छा दाऊद्लाम जो थे वो फिर येम में जाकर जो है आबाद हो गए थे और इनका जो इन्होंने जो था सबसे पहले जो है वो बैतुल मुकद्दस की जो थी वो बुनियाद रखी थी अक्सर लोग कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम ने रखी थी नहीं वो हैकली की बुनियाद रखी थी बैतुल मुकद्दस की जो सबसे पहली बुनियाद है वो हजरत दाऊद अलैहि सलाम ने रखी थी तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन थे जो आते रहे हैं पास पेपर में हज़रत दाऊद अलैहि सलाम के मुतलिक हम लोगों ने इनके मतलब सारा डिटेल में पढ़ लिया तो यही जो बातें हैं वो पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी, के पी एनटीएस और बीपीएससी के एग्जाम में पूछी गई हैं तो मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक भी कर लें और जो वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं उनको लाइक भी करते जाएं तो फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़